जयति ते धिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि भूमि प्रज भूमि में यमुना किनारे बसी हुई थी मथुरापुरी। यहां जनजीवन की झांकियां झलकती थी। कर्म में उमंग थी और मर्म में था प्रेम का रंग। यहां भी नयन से नयन मिलते थे, प्राण से प्राण मिलते थे, प्रेम की मधुर छाया में सपनों के फूल खिलते थे। विदाई की बेला में प्राण तड़पते। काली मथुरापुरी पर राज करता था अत्याचारी कंस। उसके महलों के कलश आकाश को छूते थे, परंतु महलों की बुनियादों और दीवारों में था प्रजा का खून और पसीना। पुरी कंस के पाप की जलती धूप थी, लेकिन पास ही जमुना पार था ग्वालों का गोकुल गांव शीतल छांव के समान। कुल के पास वृंदावन। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मनु जमुना के तीर।
कहीं लीला रस्ते थे भगवान कृष्ण, श्याम सुंदर, गोपाल। वंशी थर जब वंशी की मधुतान छेड़ते, सात सुरों के बाण जड़ चेतन के प्राण बेचते। प्राणों की इस सनातन पुकार को पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने ऐसी सुकुमारता और मृदुलता से रंगों में उतारा जिसका कोई जवाब नहीं। पापी कंस के अत्याचार सीमा पार कर चुके, तब मथुरा के अनेक दुखियारे नर नारी मथुरा को छोड़ गोकुल की शरण आए। यहां ये दिन रात मनाते, प्रभु अवतार धरू, पापी का संहार करू। जीवन चक्र चलता रहा और हवाओं में यह देव वाणी गूंजती रही कि कंस की बहन देवकी के आठवें गर्भ से पैदा होगा कंस का नाश करने वाला। कंस के भय का बार पार न रहा, उसने देवकी और वसुदेव को बंदी घर में डाला। प्रभु ने धरा कृष्ण अवतार, बेसुध हो गए पहरेदार। खुले बंद सप्तवार, वसुदेव बालक को लेकर चले भादों की अंधेरी रात में। वे गोकुल ग्राम पहुंचे, नंद के धाम पहुंचे, कृष्ण को यशोदा की नवजात बालिका से बदल लिया। गोकुल के नर नारी उत्सव मनाने लगे, घर घर प्रभु के गुण गाने लगे। गोकुल में नंद और यशोदा के घर में कन्हैया बलराम भैया के संग बढ़ते गए। अपनी चंचल क्रीड़ाओं और चमत्कारों से वे सबके प्यारे बनते गए। पहाड़ी चित्रकारों ने कृष्ण लीला के चित्रण में अपने हृदय के रंग भर दिए हैं। गोपाल के बचपन के साथी थे गोप और गोपियां, वे उनके प्यारे थे, रखवारे भी। कालिया नाग ने जमुना जल को अपनी विषैली सांस से जहरीला बना दिया था। क्या पशु, क्या ग्वाले, जो भी जल पीते विष के प्रभाव से बच न पाते। गोपाल काले दह में कूद पड़े, कालिया का दमन करने और लगे उसके सौ फनों पर नाचने। सर्पराज की रानी ने दया की भीख मांगी, कालिया चरणों में गिरा, नंद कुमार ने क्षमा कर दिया। कृष्ण ने कुल देवता इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इंद्र ने क्रोध में प्रलय के मेघों को गोकुल डुबाने की आज्ञा दी।
भिखारी ने उंगली पर गोवर्धन उठाया, ब्रज को बचाया, हारा इंद्र शरण में आया। इस तरह कन्हैया अद्भुत लीलाएं दिखाते और नर नारी उत्सव त्योहार मनाते। वृंदावन में अखंड शांति विराजती थी, क्योंकि स्वयं त्रिलोकीनाथ अपने प्रेमियों के बीच विराजते थे। उनकी मुरली की धुन सुनकर सुदभुत खोकर गोपियां दौड़ी आती। उनमें एक थी राधा, नए प्रीत के रस में पगी हुई। उसकी अखियां थीं लाज के भार से झुकी हुई। शाम उसे देखते रही, राधा के नयन रोके न रुके, उठकर मिल गई। प्रथम मिलन दो प्राणों का अटूट नेह बंधन बन गया। नवल दुपाल नवेली राधा नए प्रेम रस पागे, नवल दुपाल नवेली राधा नए प्रेम रस पागे। नव तरुवन विहारे दौ क्रीड़त आपु आपु अनुरागे, नवल गोपाल नवेली राधा नए प्रेम रस पागे।
कृष्ण को उनके महान कर्तव्य ने पुकारा और वे चल दिए। शाम क्या गई मानो राधा के तन से प्राण गए। सारी धरती सुनी हो गई, सारा आकाश सुना हो गया। दिन शाम का ध्यान धरती विरह की आग में जलती और मिलन की आशा में जीती। कृष्ण मुरारी मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने नगर द्वार के निकट कुबलिया पीड़ हाथी को मार गिराया और कंस की राजसभा में जाकर उस दुष्ट को परलोक पठाया, देव वाणी को सार्थक बनाया। किंतु होनहार ने कृष्ण को सदा के लिए गोकुल से, वृंदावन से, ब्रजबालाओं से जुदा कर दिया। चकोरी सी राधा और गोपियां कृष्णचंद्र की बाढ़ चोहती रही, बीते हुए दिनों के मधुर स्वप्न देखती रही। के दर्पण में शाम की छवि निहारने लगी। अंत में प्रेम के वश होकर घट घट वासी हर घट में प्रकटे, जैसे चंद्र की छाया अनेक सरोवरों में झलकती है, वैसे ही कृष्ण चंद्र भक्तों के हृदय आकाश में अनेक रूपों में विराजते हैं। परमानंद